हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। का स्वागत है गाइस आप लोगों का मेरे चैनल में। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, येस बैंक गाइस कल के दिन 2.64% तक बढ़ा। मतलब आप कह सकते हो कल के दिन इसमें बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन गाइस देखिए, ये तो एक येस बैंक के लिए अच्छी खबर है, बट वहीं कहीं ना कहीं बुरी खबर ये है कि गाइस देखिए, येस बैंक राइज 2% एज RBI गिव कंडीशनल नोट टू केरल एडवेंट फॉर स्टेक बाय। देखिए ये तो एक तरीके से गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि स्टेक के बारे में बात हो रही है केरल के कंडीशनल के नोट के अकॉर्डिंगली। बट गाइस बुरी खबर क्या निकल के आई, बुरी खबर ये निकल के आई कि सर्वर्स ऑफर 8300 करोड़ अपफ्रंट कैश फॉर यस बैंक स्ट्रेस एसेट। मतलब जो यस बैंक का स्ट्रेस एसेट था उसको खरीदने के लिए सर्वर्स ने भी ऑफर रखा था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, यस बैंक ने अंडर रैप कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया। ना एक्सचेंज को बताया, ना RBI को बताया, ना किसी को बताया। वहीं वाई सर्विस हेड ऑफर देखिए, वहीं JC Flower जो कि JC Flower के साथ विल बी पेइंग ओनली 50% अपफ्रंट 12,000 करोड़। देखिए JC Flower जो कंपनी है, इससे इनका मतलब बातचीत चल रही थी कि वो इनका जो स्ट्रेस मतलब इनके जो NPA के जो स्टॉक्स है, जो कि NPA है वो खरीद, मतलब जो स्ट्रेस की स्ट्रेस एसेट्स बोल सकते हो, वो खरीदना चाहते हैं। देखिए JC Flower ने कहा कि हम 15% के अकॉर्डिंग ही आपको पे करेंगे, उससे उसके बाद ही पूरा पे होगा। मतलब 12,000 का 1500% निकाल सकते हो, 1800 करोड़ होता है गाइज। तो गाइज लेकिन सर्बस ने कहा कि हम एक ही बार में 8300 करोड़ दे देंगे, बात वहीं पे ख़त्म। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को छुपाया, और JC Flower के साथ इन्होंने जो डील की उसके बारे में इन्होंने एक्सचेंज को दुनिया भर को बताया। तो गाइस कहीं ना कहीं, मतलब आपको पता है NPA इसका जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, 8,000 करोड़ के अकॉर्डिंगली बढ़ा हुआ है, और ये और बढ़ता जा रहा है, तो येस बैंक के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि जो नया मैनेजमेंट आ रहा है वो बहुत कोशिश कर रहा है इसको ठीक करने की, लेकिन जब तक पुरानी चीज़ें रैप अप नहीं होंगी, सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक येस बैंक उस तेज़ी में देखने को नहीं मिल सकता जिस तेज़ी में ये पहले था। तो गाइज जैसे कि आप येस बैंक के बारे में न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी ही न्यूज़ निकल कर आती है, तो आपको इस पर थोड़ी सी नज़र बनाकर रखनी अगर आप लोगों ने इसमें होल्डिंग ले रखी है गाइज। लेकिन है तो ये एक तरीके का कमज़ोर स्टॉक, लेकिन हमें आज के दिन इसमें थोड़ी सी, कल के दिन इसमें तेज़ी देखने को मिली, उस रिगार्डिंग थोड़ी सी हमें ये गुड न्यूज़ भी देखने को मिलती है येस बैंक राइज 2% करके। सो गाइज बाकी मैं आपको इतना ही बोलूँगी, इस स्टॉक पर आप थोड़ी सी नज़र बनाए रखें, और इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आती है उस पर भी स्टडी करें, चेक करें, देन तभी आप इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बैक करें, थैंक यू।